अज चंडीगढ़ का जिहड़ा व्यापारी वर्ग है वह सड़क से उतरिया होया। तुसीं मेरे पिछे देख रहे होने जिहड़े आ इह पिछे रैली जिहड़ी आ रही है, ये सारा व्यापारी वर्ग है और सड़क से उतरिया होया विरोध कर रहे हैं। इन्हां नूं नोटिस आए हुए ने इन्होंने इंडस्ट्रियल शैड विच दुकाना खोलिया हुई हैं, जिस करके इन्हां नूं नोटिस आए हुए ने भी इंडस्ट्रियल सैल दे विच इंडस्ट्रियल जिहड़ा आ प्लाट हैगा उत्थे दुकाना नहीं खोलिया जाना चाहिए। उस चीज़ का नोटिस आया जिसका विरोध कर रहे हैं। चौधरी साहब, विरोध का की कारण है? विरोध का कारण है जी, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जोड़े बड़े बड़े प्लॉट से पहले 2 कनाल के 4 कनाल के 10 कनाल के उन्होंने कन्वर्जन करके उन्होंने बड़ी बड़ी होटल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते उन्होंने अलाउड करता है। जी सा इंडस्ट्री सी और टोटली ही खत्म करती इन्होंने। हूँ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जोड़े छोटे मरल 5 मरले 10 मरले असं बैठे हैं कनाल च, उन्होंने मैं तंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। सारे असं जिन्हें भी व्यापारी हैं क्या असं हूँ सूई तो बना नहीं सकते? हूँ पहले इन्होंने जोड़े सानू अलॉट किए कोई सूई बनाओ ट्रंक बनाओ वो तो काम इन्होंने खुद ही खत्म कराता। जोड़े बड़े बड़े फैक्ट्रियां साड़ी इतों शिफ्ट कर गई हैं, इस करके हम असी कितने जाइए? जब इन्होंने नोटिस देते सानू दिवाली तो पहले इन्होंने नोटिस देने शुरू करते सानू। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है भी वो जो इंडस्ट्रियल शैड हैगा इंडस्ट्री लिए हैगा ना कि वह दुकाना लिए हैगा। सर इंडस्ट्री तो खुद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म की है, उन्होंने पहले होटल बड़े बड़े मॉल जो इन्होंने बनाए हैं वो इसी वास्ते बनाए हैं कि छोटे इंडस्ट्री को खत्म कर दें। नहीं मॉल तो बने हैं वो बड़े प्लाट सी बने हैं, छोटे प्लाट वो छोटे है गया। बिल्कुल ठीक है जी तुहाडी गल, लेकिन जड़ी इंडस्ट्री सी बड़े बड़े प्लाटों के अंदर वो इंडस्ट्री जिन्होंने खुद खत्म की है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। जो इंडस्ट्री खत्म इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं सारे वर्करस ने साडे कोल, उन्होंने इंप्लॉयमेंट उनकी फैमिली चल रही है, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं असी और कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे, इट इज़ नॉन पोल्यूटेड आई फिर भी साढ़े मगर ने। पर रूल्स तो मनने पैणगे कि नहीं? नहीं रूल क्यों, वो एक कन्वर्शन पॉलिसी लिया ना जिदा वड्डे प्लॉट है असी क्योंकि गरीब छोटे प्लॉट वाले हाँ साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आप ये कही है एडमिनिस्ट्रेशन जब सोनू लाव कर दिता तो एडमिनिस्ट्रेशन वधिया सोनू लाव नहीं कर रहा इस करके एडमिनिस्ट्रेशन असी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं असी कोई इलीगल नहीं है कोई कथा इनलीगल तो है भी आप इंडस्ट्रियल शैड से आप दुकान खोल के बैठे नहीं इनलीगल क्या उन्होंने बाकियों वड्डे उन्होंने लाव किया ना जी की फर्क है लीगल और लीगल अगर इफ यू हैव मनी यू आर लीगल तुसी 10 मंजिला होटल खोल सकते हो अगर तुहाडे कोल पैसे नहीं है तुसी इलीगल हो मतलब कि लीगल क्या है लीगल है पैसा पैसा लीगल है अगर पैसा नहीं है तो इलीगल है दैट्स इट ना गवर्नमेंट ये कहती है जिस टाइम तुसी 10 रुपए कमाए है तो 2 रुपए सानू भी दियो सर क्यों नहीं दे रहे सर क्यों नहीं दे रहे दे तो रहे हैं सर लीगल और लीगल की फर्क हैगा यही है ना भी तुसी जदों होटल दे लिए कन्वर्शन करोगे तो उन्होंने 2 रुपए उन्होंने को जान के इस करके वो लीगल तो हो जाता हूँ तुसी उस तो बिना ही करना चाहते हो तो इलीगल है कह रहे हैं असी वो पैसे देना चाह रहे ना अगर छोटा बंदा वो घट पैसे हैं तो घट ही देगा ना अगर हूँ मेरे को 20 करोड़ नहीं है तो मैं एक 10 मरले की दुकान नहीं चला सकता अगर नहीं अगर मेरे को 20 करोड़ है तो मैं 10 मंजिला होटल खोल सकता है पहला मैं 20 करोड़ चाहिए लीगल होने वास्ते यही गल है ना भी मैं 20 करोड़ लिया असी कन्वर्शन वास्ते पैसे सरकार एक ठीक ठाक दसे असी पे करने तैयार हाँ सब तो ज़्यादा GST इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 तो जा रहा है सब तो ज़्यादा GST तो उस तो बावजूद सानू तंग किया जा रहा है इतने सब कुछ जा रहा है GST दे रहे हैं इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं हर दुकान से 5-5 बंदे हैंगे हैं क्यों नहीं हैंगे है ना और GST मंथली तुसी अगर जो आपां नूं ये प्लाट शैड मिलिया सीगा वो इंडस्ट्रियल ही मिलिया सीगा आपां क्यों नहीं आपां इंडस्ट्री च भी तां अपने बंदे पता की हैगा देखो सर टाइम टू टाइम चीज चेंज होंदी रही है हुण ये गवर्नमेंट ने जस्ट 3 दिन पहला चंडीगढ़ एंट्री ते 50 पेड़ कटते क्योंकि सड़क चेंज करनी सीगी वो नीड है ना ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਪੇੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੋਰ 50 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਵੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਔਰ ਚਾਂਦ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੈ 18 ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ 18 ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਆਪ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ वो तो मार्केट बनी सर दुकानें हैं उसमें ज्यादा पार्किंग है ठीक है इस टाइम गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं लोग इंडस्ट्रियल एरिया की नहीं है ना आपने ये कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो उन्होंने बना दी उनसे पैसे ले लिए तो जब इंडस्ट्री चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही खत्म की है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी यहाँ से शिफ्ट कर गई है पलायन कर गई है तो छोटे दुकानदार जो हम दुकानदार अब बने हैं दुकानदार लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज थी ना तो अब कहाँ जाएं किसका काम करें हम लोग जो उनके लिए बनाते थे हम माल अब वो माल और सप्लाई हमारी जा नहीं सकती कहीं भी तो हम क्या करें हमने अपने बच्चों को रोटी खिलानी है जो हमारे साथ परिवार पलते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमने रोटी खिलानी है तो वो कहाँ से खिलाएं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारी बातें मान के आपस में बैठ जाएं हम जो भी सोल्यूशन हो सकता है इसका करके जेन्युइन फीस इसकी लगा दी जाए तो पूरा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम तैयार हैं आपको क्या लगता है आपकी मीटिंग नहीं हुई कितनी बारी आपकी मीटिंग हो चुकी है बिल्कुल मीटिंग हुई है पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अभी यही बात है ना कि वो कह रहे भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं जो नोटिस हमारे को दिए जा रहे हैं उसको पेंडिंग कर दिया फैसला नहीं आ रहा है तब तक उसको रोक के रखा जाए ना जब तक अभी तक जब वो कोर्ट में है ऑलरेडी सांसद भी बोल रहे हैं जब वो कोर्ट में है तो अब नोटिस चिपकाने की क्या जरूरत है एक दुकान पे वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है द मैटर इज सब ज्यूडिस तो आपको देने नहीं चाहिए और एमएसएमई एक्ट के अंदर सर अलाउड है B2B सेल अलाउड है एमएसएमई एक्ट के अंदर ये B2B सेल अलाउड की गई है पर B2C नहीं है ना सर सी ही चल रहा है यहाँ तो सी चल रहा है हम लोग ना B2B कर रहे हैं और जो हमारा काम है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के काम आता है और कहीं हमारे पास शहर का ग्राहक नहीं आता तब भी हमारे को नोटिस दे रखे बताइए कहाँ का कानून है दो ऐसा ना कहो शहर का ग्राहक नहीं आता सारे ग्राहक आपके पास आते हैं आप ऐसे ना करो बड़ी आपकी तो बड़ी मार्केट बन चुकी है नहीं हमारा तो काम ही लोहे का है लोहा कहाँ काम आता है चलो आपका लोहे का है बाकी बिजली वालों का तो सारे आते हैं बाकी अलग अलग सबके काम है ना जी चंडीगढ़ शहर 5 लाख बंदों के लिए बना था आज वादी 12 लाख से ऊपर जाने को तैयार है 13 लाख अब इतने बंदे क्या करेंगे ये बताइए अब बंदे एक सड़क के ऊपर ही बिल्डिंग बनाएगा ना जी तभी तो वहाँ अकोमोडेट होगा अब ये बताइए भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए नहीं, फिर अलांते क्यों बना फिर कार के शोरूम्स क्यों बने फिर हॉस्पिटल्स क्यों बने सर हमारी डिमांड ये है या तो वो सब बंद कर दीजिए जिसके तहत उनको और परमिशन दी गई या हमें अलाउड कीजिए जब उनको परमिशन दी थी फिर आपने उस टाइम तो विरोध नहीं किया उस टाइम भी विरोध किया था हमारा विरोध तभी से चल रहा है लेकिन ये जो प्रशासन की पिक एंड चूज पॉलिसी है जो बड़े प्लाटों को उन्होंने अलाउड कर दिया हमें नहीं कर दिया सर इट्सल्फ मिसयूज के नोटिस दिए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए वो मिसयूज नहीं है वो उन्होंने ट्रांसफर फीस जमा करा के कन्वेंशन फीस जमा करा के आपके लिए पॉलिसी नहीं है होनी चाहिए तो वही तो डिमांड करे पॉलिसी बनाओ सर आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है आपका SDM ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया में है सर वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है बताओ जो नोटिस दे रहा है गौशाला इंडस्ट्रियल एरिया में है वहाँ क्या प्रोडक्शन हो रही है वो तो आपकी सुविधा के लिए है ना SDM ऑफिस तो देखिए SDM ईस्ट ऑफिस मनी मजरा में बन सकता था लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों बना इतना बड़ा प्लॉट है उसमें से ट्रेडिंग की जा रही है वहाँ से लोहा बेचा जा रहा है नहीं वो तो इंडस्ट्रियल को जाता है ना तो हम भी तो इंडस्ट्री को बेच रहे हैं ना आप अकेले बेच रहे हैं ना बाकी नहीं है ना हम ऐसे है नहीं हम माल जो है लोहा बेचते हैं हम वो जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज होता है हम 17 सेक्टर तो जाके खोल नहीं सकते है ही वहाँ पे हमारे ट्रक
बड़े बड़े ट्रक आते हैं वो तो जाके वहाँ पे माल नहीं उतार सकते, ना शोरूम ले सकते हैं वहाँ पे, तो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री केबल बेच रहे हैं, तारे बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं वो। इंडस्ट्रियल यूज के लिए माल यूज होता है वो, हम तो उसी का काम करते हैं, हमें भी नोटिस दे रहे हैं, जो बी टू बी सेल कर रहे हैं उनको भी नोटिस दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल का सामान भी सर इन्हीं होटलों को दिया जा रहा है, इन्हीं को दिया जा रहा है ना, इन्हीं की सुविधा के लिए है ना सर। क्रॉकरी भी दी जा रही है, क्रॉकरी भी दी जा रही है, पूरी होटल लाइन को सप्लाई की जा रही है। ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट जेडे की इतने चंडीगढ़ में, इन्होंने फेज वन फेज टू इन्होंने को इंडस्ट्रियल प्लाट है गया, इन्हों उत्थे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हों नोटिस थमा दिते भी उत्थे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, जिसका यह विरोध कर रहे हैं। इन्हों का कहना है भी जेडे बड़े बड़े मॉल इत्थे खुले है, बड़े बड़े होटल खुले आ, उसी तरह उन्होंने भी बेनीफिट दिता जाए, उन्होंने भी कन्वेंशन जी पॉलिसी है उसके तहत लिया जाए, उन्होंने भी अलाउ किया जाए कि वह अपने इंडस्ट्रियल शैडा विच दुकाना खोल सकन। और इसी मांग नू लै के ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि इन्हां दी कई दौर दी एडमिनिस्ट्रेशन नाल गलबात हो चुकी है पर उस विच कोई रिजल्ट हाले तक नहीं निकलिया, जिस करके लगता है कि ये जड़ा मामला है ये लंबा खिंच सकता है। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन उमा जाप दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तों।